कैंपस अंडरपास के करीब हैवी क्रेन खराब, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, कैनाल रोड और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक का पहिया जाम। मौलाना शौकत अली रोड पर ट्रैफिक की मीलों लंबी कतारें, जौहर टाउन अल्लाह चौक भी ट्रैफिक के लिए बंद, शहरी ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक पुलिस ने 3 घंटे बाद ट्रेन को रास्ते से हटा दिया, अंडरपास पर ट्रैफिक की रवानी बहाल होने लगी। एसपी कैंट सरदार आसिफ कैंपस अंडरपास पहुंच गए, ट्रेन का हाइड्रोलिक खराब होने से सड़क पर तेल बिखर गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मामला मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद हाईकोर्ट में पेश, 126 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल कर दिए, 94 प्लांट ताहाल खराब हैं, एमडी वासा की रिपोर्ट। साफ पानी करप्शन केस, मुलजिम इंजीनियर राजा कमर सलाम और साबिक सीईओ साफ पानी वसीम अजमल एहतसाब अदालत में पेश, मुलजिम इंजीनियर कमर सलाम राजा 84 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का ठेका गैर कानूनी तौर पर महंगे दामों देने का इल्जाम है। दरख्वास्त जमानत में तौसी, ख्वाजा बरादरान की आज हाईकोर्ट में पेशी, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन और आशियाना इकबाल स्कैंडल से मुतालिक केसेस जेरे इल्तवा हैं, अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शेख जैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल, यंग डॉक्टर्स की इंडोर भी बंद करने की धमकी, ओपीडीज बंद होने से मरीज रुल गए, लवाहिकीन को भी परेशानी, ऑपरेशन और दीगर सहूलियात से महरूम। चिल्ड्रन अस्पताल में द स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज का दूसरा कॉन्वोकेशन, 7 मुख्तलिफ शोबों के तलबा में बीएससी ऑनर्स की डिग्रियां तकसीम की जाएंगी, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, तालिबात नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद। एफआईए का बिजली चोरों के खिलाफ ब्रेकडाउन, फिरोजपुर रोड पर कायम हक नवाज फिश और लाहौरी बर्गर पर छापा मारा, 2 मुलजिम शाहनवाज और अवैस गिरफ्तार, घरेलू मीटर दुकानों पर कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे। थाना गुजरपुरा पुलिस के खिलाफ खवातीन का सेशन कोर्ट में एहतजाज, एएसआई ताहिर समेत दीगर एहलकारों के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त, पुलिस एहलकार बिलावजह घर आकर तंग करते हैं, खवातीन की दुहाई।